सारे कैरेक्टर्स, कपिल ही जो कैरेक्टर है बहुत ये देखिए मुश्किल कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि ही कैन ऑलवेज नॉट ऑलवेज बीन वन कैरेक्टर, उनको जहाँ इंटरव्यू भी देना होता है वो भी करते हैं, फिर साथ साथ अपनी गरीबी पर काफ़ी ज़्यादा मजाक और मज़ा आता है, बट ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। वो भी कमाल है, वो हर किसी से शादी करना चाहती है, हैंग और मेरी शादी हो गई है उसलिए मुझे आपसे भी आया वो ऑफर नहीं, वो जानती हैं मेरी शादी जिससे हुई है थोड़ी सी डेंजरस है वो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उनके सामने बुआ क्या कम्पीट करेगी उसके साथ। अरे नहीं यार, आप कैसी आप पर्सनल बातों कर, अभी मैं क्या कहूँ उनके बारे में। ऋतिक रोशन इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन, सुजन से भी मतलब जब भी मिले हैं शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल वंडरफुल पर्सन। अभी निजी उनकी क्या समस्या है क्या बात है उसके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, बट दे आर बोथ वेरी वेरी यू नो दे ऑलवेज केप्ट देयर ग्रेस एंड सोफिस्टिकेशन, सो जो कुछ भी हो मतलब शायद किसी को भी पता नहीं चलेगा बिकॉज दैट काइंड ऑफ पीपल दे आर, दे वेरी पर्सनल वेरी प्राइवेट, तो और हम उनके कोई इनर सर्कल या दोस्तों में से है नहीं, तो आई एम श्योर जो कुछ भी हो इट्स वेरी सैड और बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मतलब अगर समवन वांट्स टू मूव ऑन देन आई थिंक दे शुड बी अलाउड। नहीं नहीं नहीं, अप्रिय घटना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बिल्कुल जब कोई नया अभियान शुरू होता है, जब कुछ नई एक थॉट प्रोसेस शुरू होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई चेंजेस हो परिवर्तन हो, तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं लेकिन हो जाती हैं। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एक और एक दो तीन हफ्तों में चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और हर किसी को एग्जैक्टली क्या रूल्स रेगुलेशंस है, मतलब हमें भी प्रोड्यूसर्स को भी कंपोजर्स को भी हम सबको समझ आ जाएगी, एक पूरी बॉडी एक लॉयर्स हैं लीगल टीम है वो सब वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से होगा ये सब कुछ और सबके हित में होगा, सबकी इसमें जीत होगी, हम मतलब पूरे म्यूजिक फ्रेटर्नी की जीत होगी। नहीं नहीं नहीं, नॉट फॉर टू लॉन्ग, फिलहाल हम सब थोड़ा सा धुंध है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए। 2013 आप कह सकते हैं एक ज़बरदस्त साल रहा, एक ट्रांजिटरी साल रहा जहाँ बहुत सारी चेंजेस बहुत सारी परिवर्तन नज़र आनी शुरू हुई है, लेकिन ये सारी चेंजेस ये सारी परिवर्तन होंगे 2014 में पूरी तरह से, ये मैं विश्वास रखता हूँ, और 2014 हमारे सबके लिए बहुत बहुत ही मुबारक साल होगा। विशिंग ऑल ऑफ अस अ वेरी वेरी हैप्पी 2014। गोरी तेरे प्यार में करीना कपूर का गाना, और एक है 1 2 3 4 फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का गाना, सो दोनों बहुत पेपी गाने थे। मैंने परफॉर्म किया और थोड़ी सी गलतियाँ भी कर दी, लेकिन स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट था तो कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चला, सो आई एम हैप्पी। कुछ गलती नहीं हुई, मुझे पता नहीं था मुझे स्टेज पर जाना कहाँ है, बहुत सारे लड़के थे तो मैं कहीं और ही चली गई, बट देन आई कोप्ड अप, यू नो हाउ गुड आई एम। 8 लोग थे, थैंकफुली कहा गया था कि कलर्स के सबसे फेवरेट स्टार्स साथ में परफॉर्म कर रहे, तो हम सब बहुत खुश थे जो 8 लोग परफॉर्म करने गए थे। इट वाज मी, इट वाज आशिका, श्वेता तिवारी, आरती छाबड़िया, मनीष, जय सोनी, मृणाल जैन एंड हु एल्स वाज देयर, आई फॉरगॉट, हाँ विविन डेसेना, सॉरी। आरती ने डांस किया, आरती अभी भी डांस कर रहे थे। जल्द फिलहाल आई एम डूइंग बिग बंगाली आर्ट फिल्म, आई हैव जस्ट साइंड इट, तो उसकी शूटिंग फेब्रुअरी में है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बीइंग अ बंगाली मुझे एक बंगाली फिल्म करने का मौका मिल रहा है, और उसके बाद मैं एक्चुअली अभी सब कुछ रिवील नहीं कर सकती, इतना बता रही हूँ। इट्स एन आर्ट फिल्म एंड इट्स अ कम्प्लीटली वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी, तो दैट वन वुमेन इज़ मी इन द फिल्म एंड देर आर वेरी बिग एक्टर्स विद मी, तो आई कॉन्ट रिवील देयर नेम्स राइट नाउ। और एज अ बंगाली मुझे बंगाली फिल्म करने का मौका मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी, जिसके लिए मैं फेब्रुअरी में शूट कर रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं, होपफुली जल्दी वापस आऊँगी मैं टेलीविजन पे। आई थिंक कलर्स एक ऐसा चैनल है जिस पे लोगों को बहुत बरकत मिलती है, लाइक मैंने कलर्स पे बालिका भी कर लिया है, झलक भी कर लिया है, किचन चैंपियन भी कर लिया है, बिग बॉस भी कर लिया है, सो आई फील इट्स द मोस्ट ग्रेटेस्ट चैनल वन कैन बी अ पार्ट ऑफ। और हाँ, बालिका एक बहुत बड़ा शो है, हर एक एक्टर हमारी इंडस्ट्री में जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में है वो बालिका का पार्ट होने के लिए यू नो बहुत होप करता है, सो आई थिंक आई एम द लकीस्ट कि आई हैव बीन द ओल्डेस्ट आनंदी एवर फॉर 3 years।
Well, I think it's, you know, I was in Dubai last night. I've just flown down today. And I just don't know about it. So let me, I don't know what exactly is happening. So till I don't know what the details are, I don't want to comment on it. Hrithik is a family friend. He's like a younger brother to me. And even Surya, Suzanne, I'm very, very fond of. And I'm sure, I think these are things which really happen in a relationship. I'm very optimistic going to get back to them. सलमान सलमान प्रीति से शादी करना चाहता है, प्रीति मुझसे पूछे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप किससे करना चाहते हैं? मैं किसे? प्रीति से। परफेक्ट गाइस, यू आर हैप्पी नाउ? बिल्कुल, अभी तारीख हम बस अनाउंस कर रहे हैं। नए साल में हम अपना तारीख रिश्ता पक्का कर रहे हैं। Well, I think, I have to say Salman was fantastic on the show, and I think just interviewing him was good. But I think I'm really looking forward for everyone to watch Aamir and Kiran, because I think you've seen a casual side and a more fun and irreverent side to Aamir that is also part of his core personality that has never been witnessed. And I think Coffee with Kiran taps into that rather efficiently. See it with fun. Well, Colors and I have had a great association. I've been with them for the last 2 years, having hosted, judged two reality shows, Jhalak and India's Got Talent. So I feel a part of the Colors family in more ways than one.